गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम हमारा जो चैप्टर 11 है उसका पार्ट थर्ड करेंगे। हाफ चैप्टर जो था वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में रीड करवा दिया था, हाफ हम आज करेंगे। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि जो मंकी है वो ट्री पे रहते हैं, वन ब्रांच से अदर जो ब्रांच है वहाँ पे स्विंग करते हैं, झूला झूलते हैं, उनकी जो टैल होती है वो लंबी होती है, मतलब और वी चैटर और है, मतलब वो क्या करते हैं, चैटर करते रहते हैं, मतलब जो मंकी के जो बात करना जो होता है उसको बोलते हैं चैटर, मतलब जो साउंड होता है तो वो करते रहते हैं सारे दिन। इनको फ्रूट्स पसंद होते हैं, एलिफेंट क्या करते हैं, सॉरी टाइगर भी इनको कब बोलते हैं, बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो जैसे लायन और टाइगर से डरते हैं, ये बहुत तेज दौड़ते हैं। थर्ड है डियर के बेबी को क्या बोलते हैं, फॉन, FAWN फॉन बोलते हैं। ये इनको लीव्स और ग्रास पसंद है, जब ये टाइगर की रॉड सुनते हैं तो ये वहाँ से भाग जाते हैं। रैबिट, ये देखो रैबिट है, रैबिट अपना जो होम है वो ग्राउंड के अंदर बनाते हैं, इसको गुरु बोलते हैं, ठीक है। इनको कैरट पसंद होती है और ये एक जो जंगल होता है वो इनका होम होता है। तो हमने जैसे मंकी, टाइगर, डियर, रैबिट के बारे में रीड किया था प्रीवियस क्लास में, आज हम जैसे जिराफ, एलिफेंट, पैरोट, फ्रॉग, फिश, इनके बारे में रीड करेंगे। तो ओपन योर बुक, ओपन करिए आप लोगों ने, जैसे कुछ वापस एक बार मैं आपको हार्ड वर्ड्स रिपीट करवा देती हूँ। अफ्रेड, फीलिंग, फेयरफुली, चैटर, साउंड मेड बाय मंकी, क्रॉक, नॉइज मेड बाय फ्रॉग, ड्रम मेड, नॉइज मेड बाय एलिफेंट, स्विंग टू मूव फ्रॉम वन साइड टू साइड। ये आपके हार्ड वर्ड्स हो गए, तो जैसे मिलेंगे अफ्रेड, चैटर, ये साउंड होता है किसका, मंकी का, ड्रम मेड एलिफेंट का साउंड है, स्विंग झूलना, कब टाइगर के बेबी को कहते हैं एलिफेंट, फॉन डियर के बेबी को कहते हैं, और भी मैंने वर्ड मीनिंग करवाया वो आपको लर्न करने हैं। तो ओपन योर बुक, आज हम जिराफ, एलिफेंट, पैरोट, फिश, इनके बारे में रीड करेंगे। तो ओपन योर बुक ओपन करेंगे आप लोग, बुक ओपन कर ली, अब मैं चैप्टर आपको रीड करवा दूँ। ओपन योर बुक, सबने बुक ओपन कर ली। प्रीवियस क्लास में हमने मंकी के बारे में, टाइगर, रैबिट एंड डियर के बारे में रीड किया था, आज हम रीड करेंगे जिराफ। एनिमल्स के बारे में हम लोग रीड करें ना, जंगल इज आवर होम, जंगल जो हमारा होम है उसके बारे में हम लोग रीड कर रहे हैं। तो आज हम जो हाफ चैप्टर रह गया था उसको रीड करेंगे। वी आर जिराफ, हम जिराफ है, देखो जिराफ, जिराफ की क्या होती है, लॉन्ग नेक होती है और इसके लॉन्ग ही लेग्स होते हैं। वी आर वेरी टॉल, हम बहुत लंबे हैं। वी हैव लॉन्ग नेक, हम लॉन्ग नेक मतलब लंबी गर्दन रखते हैं। वी आल्सो हैव लॉन्ग लेग्स, हमारे लंबे पैर हैं, टांग मतलब पैर है, टांगे होती हैं इनकी, लेग्स मतलब होती है टांग, फुट मतलब होता है पैर। वी ईट लीव्स फ्रॉम ट्रीज, हम पेड़ों की पत्तियाँ खाते हैं। वी लाइक टू लिव क्लोज टू द जंगल, हमें जंगल के पास रहना पसंद करते हैं, हम लोग जंगल के पास रहना पसंद करते हैं। ये देखो जिराफ है, इनके लॉन्ग नेक होती है, लॉन्ग ही इनकी टैल होती है, और ये टॉल एनिमल होते हैं, लंबे जो एनिमल जो होते हैं वो कौन सा होता है, जिराफ। ये लीव्स खाते हैं ट्री की और इनको जंगल के क्लोज में रहना पसंद है। नेक्स्ट है एलिफेंट, एलिफेंट तो सब जानते हो, सबने देखा है। वी आर एलिफेंट्स, हम एलिफेंट्स हैं। वी ट्रम्पेट लाउडली, हम जोर से चिंगाड़ते हैं। ट्रम्पेट मतलब एनिमल का जो ना, एलिफेंट का जो साउंड होता है चिंगाड़ना, एलिफेंट की जो आवाज़ सुनी है ना आपने, तो उसको बोलते हैं ट्रम्पेट। वी ईट लीव्स, हम पत्तियाँ खाते हैं। वी वॉक स्लोली, हम धीरे धीरे चलते हैं। वी स्विंग आवर लॉन्ग ट्रंक फ्रॉम साइड टू साइड, वी स्विंग आवर लॉन्ग ट्रंक, हम हमारी लंबी ट्रंक से साइड टू साइड स्विंग करते हैं। द जंगल इज आवर होम, हमारा जो जंगल है वो हमारा घर है, ये अपनी लंबी जो सूंड है उससे स्विंग करते हैं, झूला झूलते हैं या किसी चीज़ को झुलाते हैं, इधर उधर फेंकते हैं। ये देखो एलिफेंट्स हैं, ये बहुत मतलब हैवी एनिमल्स जो होता है ना वो है, ये सबसे ज़्यादा है, बिग एनिमल है,
और इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, इनके लंबी ट्रंक होती है, ट्रंक मतलब सूंड होती है, ईयर इनके बहुत बड़े होते हैं, फिट इनके बहुत बड़े होते हैं, ये अपनी ट्रंक से बहुत हैवी लोड को ये कैरी कर सकते हैं, और ये लीव्स बनाना शुगर कैन इनको पसंद है, और जंगल इनका होम है। नेक्स्ट है पैरोट। पैरोट, वी आर पैरोट्स, हम पैरोट्स हैं। वी मेक आवर नेक्स इन होल्स इन ट्री, हम ट्री के होल में, ट्री में जो होल रहता है, जो छेद बने रहते हैं, उनमें ये अपना नेक्स बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। मैनी लिव इन द जंगल, बहुत सारे बर्ड्स जंगल में रहते हैं। द जंगल इज़ आवर होम, जो जंगल है वो हमारा घर है। ये पैरोट्स है, पैरोट्स क्या कह रहे हैं, हम पैरोट्स हैं, हम हमारा जो होम है वो कहाँ बनाते हैं, ट्री जो है, ट्री का जो होल रहता है ना, इस तरह इस होल में ये अपना घर बनाते हैं। और मैनी बर्ड्स जंगल में रहते हैं, बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं जंगल में, ट्री पे, और जंगल बहुत सारे एनिमल्स का घर होता है, इनका घर होता है। अब नेक्स्ट है फिश। देखो फिश कहाँ रहती है, पानी में रहती है। वी आर फिश, हम फिश हैं। वी लिव इन पॉन्ड इन द जंगल, जंगल के तालाब में हम लोग रहते हैं। वी लिव इन पॉन्ड, हम तालाब में रहते हैं। इन द जंगल, जंगल में, जंगल में जो तालाब वगैरह होते हैं वहाँ हम लोग रहते हैं। वी आर फ्रॉग, हम लोग फ्रॉग हैं, मेंढक हैं। वी आर फ्रॉग, हम लोग मेंढक हैं। वी क्रॉप लाउडली व्हेन इट रेन, जब बारिश आती है तो हम बहुत ज़ोर से टर्राते हैं, टर्राना, टर्राना, मेंढक का जो टर्राना जो होता है, टर टर की जो आवाज़ निकालता है उसको बोलते हैं क्रॉक, ये जोर से टर्राते हैं जब बारिश होती है। वी लिव नियर पॉन्ड इन द जंगल, जंगल के पास जो तालाब होते हैं उनमें ये लोग रहते हैं। द जंगल इज़ आवर होम, जंगल हमारा घर है। जैसे फिश, फ्रॉग, ये कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं जब बारिश बहुत, ये फिश तो हमेशा ही, द फिश लिव इन वाटर, बट जैसे फ्रॉग वगैरह जो होते हैं पानी में भी रहते हैं, पानी के बाहर भी रहते हैं। जब बारिश आती है, जब इनको पता चलता है कि बारिश आने वाली है, तो ये बहुत तेज़ क्रॉक करते हैं, मतलब आवाज़ निकालते हैं, और इनकी आवाज़ निकालने को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉक कहते हैं। ये भी जंगल में रहते हैं, जंगल में जो तालाब रहते हैं वहाँ पे ही रहते हैं, जंगल इनका घर है। डोंट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द पॉन्ड, डोंट थ्रो, नहीं फेंकना चाहिए, डोंट थ्रो मतलब नहीं फेंकना चाहिए, प्लास्टिक बैग, जो प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती है, इन द पॉन्ड, हमें तालाब में प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं फेंकनी चाहिए। डोंट थ्रो कैंस एंड बॉटल्स इन द पॉन्ड, हमें कैंस, जैसे इसके कोल्ड ड्रिंक के जो कैंस आते हैं, बॉटल्स आती है, इनको हमें तालाब में नहीं फेंकना चाहिए। डोंट कट डाउन ट्री, हमें ट्री को नहीं काटना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जंगल जो होता है वो एनिमल्स का होम होता है। हम क्या हमारे घर में गंदगी करते हैं, नहीं करते, हमारे घर में हम लोग सामान को ऐसे फैलाते हैं क्या, फेंकते हैं, नहीं फेंकते, तो ये जंगल भी इनका घर है, तो हमें इनकी जगह को, जैसे इनका जो ये पॉन्ड में रहते हैं, तो हमें पॉन्ड में कचरा नहीं डालना चाहिए, प्लास्टिक बैग, कैंस, बॉटल को नहीं फेंकना चाहिए, और ना ही ट्री को काटना चाहिए। अगर ट्री काट देंगे तो बहुत सारे एनिमल्स ट्री पर रहते हैं, तो वो कहाँ रहेंगे, तो हमें जंगल को बचाना चाहिए। सेव द फॉरेस्ट, वी डू नॉट डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट को नष्ट नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें बचाना चाहिए, क्योंकि जो जंगल होता है वो एनिमल्स के होम होते हैं, एनिमल्स रहते हैं ना उनमें। तो ये देखो जिराफ क्या कह रहा है, देखो वापस एक बार रिपीट करवा रही हूँ। तो जिराफ कह रहा है कि मेरे लॉन्ग नेक है, लॉन्ग नेक है, लॉन्ग और लॉन्ग लेग्स है, और मैं टॉल एनिमल हूँ, जंगल में रहता हूँ, लीव्स मुझे पसंद है। एलिफेंट, एलिफेंट कह रहे हैं कि हम, वी आर एलिफेंट्स, वी ट्रम्पेट लाउडली, वी ईट लीव्स, वॉक स्लोली, स्विंग आवर लॉन्ग ट्रंक फ्रॉम साइड टू साइड, जंगल इज आवर होम। जो एलिफेंट है वो कह रहा है मैं बहुत तेज़ चिंगाड़ता हूँ, लीव्स मुझे पसंद है, मैं लीव्स खाता हूँ और धीरे धीरे चलता हूँ। अब पैरोट कह रहा है कि हम लोग पैरोट्स हैं। वी मेक आवर नेक्स इन द होल इन ट्री, हम ट्री के जो होल है वहाँ पे अपना नेक्स बनाते हैं, और जंगल हमारा घर है, मैनी बर्ड्स यहाँ पे रहते हैं। अब देखो फिश के बारे में, फिश क्या, फिश और फ्रॉग क्या करें, वी लिव इन पॉन्ड इन द जंगल, जंगल में जो पॉन्ड है हम लोग वहाँ रहते हैं, और जो जंगल होता है वो हमारा घर है। अब हमें ये तो इन्होंने बता दिया, अब हमें क्या करना चाहिए इनके लिए, वो देखो हमें क्या करना चाहिए, डोंट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द पॉन्ड, हमें पॉन्ड में प्लास्टिक बैग नहीं फेंकने चाहिए। डोंट थ्रो कैंस एंड बॉटल इन द पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब में हमें क्या नहीं फेंकना चाहिए, बॉटल्स होती है जो कैंस होते हैं कोल्ड ड्रिंक की, वो नहीं डालनी चाहिए। डोंट कट डाउन ट्री,
पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर रीड कर लिया है, आपको भी रीड करना है और इसके वर्ड मीनिंग हार्ड वर्ड्स लर्न करने हैं। अब ये है देखो, टिक द बेस्ट आंसर, ये टिक करवा रही हूँ मैं आपको। व्हाट डू द मंकीज इन द जंगल डू, व्हाट डू द मंकीज, मंकीज क्या करते हैं इन द जंगल डू, जंगल में मंकीज क्या करते हैं, जंगल में जो मंकीज है वो क्या करते हैं। द मंकीज लिव इन द जंगल, द मंकीज स्विंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, द मंकी स्विंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच एंड चैटर ऑल डे, क्या करते हैं। तो इसका होगा आंसर सी, द मंकी स्विंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच एंड चैटर ऑल डे, मंकी ब्रांच टू ब्रांच झूला झूलते और सारे दिन चैटर करते हैं, तो इसका क्या आंसर होगा सी। व्हाट डू द रैबिट ईट्स, व्हाट डू द रैबिट्स ईट, रैबिट क्या ईट करते हैं। द रैबिट ईट लीव्स एंड ग्रास, द रैबिट ईट लीव्स एंड ग्रास, समटाइम दे ईट कैरोट, द रैबिट ईट कैरोट, तो इसका क्या होगा बी, द रैबिट ईट लीव्स एंड ग्रास, समटाइम्स दे ईट कैरोट, और कभी कभी वो कैरेट भी खाते हैं। उन्होंने कहा ना इस चैप्टर में कि हम कुमार्स के गार्डन में जाते हैं, वहाँ पे कैरोट ईट करते हैं। तो वापस रिपीट करवा रही हूँ, व्हाट डू द मंकीज इन द जंगल डू, जंगल में मंकीज क्या करते हैं। द मंकीज स्विंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, मंकी ब्रांच टू ब्रांच झूला झूलते हैं एंड चैटर ऑल डे, और सारे चैटर करते हैं। व्हाट डू द रैबिट ईट, रैबिट क्या ईट करते हैं। द रैबिट ईट लीव्स एंड ग्रास, पत्तियाँ और घास खाते हैं। समटाइम्स दे ईट कैरट, और कभी कभी वे कैरट भी खाते हैं। तो ये ए और बी, सॉरी फर्स्ट में आएगा सी, सेकंड में आएगा बी, ये दोनों आपको टिक द राइट आंसर है वो नोटबुक में राइट करना है, चैप्टर रीड करना है अच्छे से, और इसके जो टिक द राइट है टू ही है, इनको आपको किस में के फिल करना है, बुक में फिल करके किस में राइट करना है, नोटबुक में राइट करना है। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, नेक्स्ट क्लास जब होगी तब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी। ठीक है, तो चैप्टर रीड कर लेना, इसके क्वेश्चन आंसर ये टिक द राइट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू। ओपन योर बुक, सबने बुक ओपन कर ली। प्रीवियस क्लास में हमने मंकी के बारे में, टाइगर, रैबिट एंड डियर के बारे में रीड किया था, आज हम रीड करेंगे जिराफ। एनिमल्स के बारे में हम लोग रीड करें ना, जंगल इज आवर होम, जंगल जो हमारा होम है उसके बारे में हम लोग रीड कर रहे हैं। तो आज हम जो हाफ चैप्टर रह गया था उसको रीड करेंगे। वी आर जिराफ, हम जिराफ है। देखो जिराफ, जिराफ की क्या होती है, लॉन्ग नेक होती है और इसके लॉन्ग ही लेग्स होते हैं। वी आर वेरी टॉल, हम बहुत लंबे हैं। वी हैव लॉन्ग नेक, हम लॉन्ग नेक मतलब लंबी गर्दन रखते हैं। वी आल्सो हैव लॉन्ग लेग्स, हमारे लंबे पैर हैं, टांग मतलब पैर है, टांगे होती हैं इनकी, लेग्स मतलब होती है टांग, फुट मतलब होता है पैर। वी ईट लीव्स फ्रॉम ट्रीज, हम पेड़ों की पत्तियाँ खाते हैं। वी लाइक टू लिव क्लोज टू द जंगल, हमें जंगल के पास रहना पसंद करते हैं, हम लोग जंगल के पास रहना पसंद करते हैं। ये देखो जिराफ है, इनके लॉन्ग नेक होती है, लॉन्ग ही इनकी टैल होती है, और ये टॉल एनिमल होते हैं, लंबे जो एनिमल जो होते हैं वो कौन सा होता है, जिराफ। ये लीव्स खाते हैं ट्री की और इनको जंगल के क्लोज में रहना पसंद है। नेक्स्ट है एलिफेंट, एलिफेंट तो सब जानते हो, सबने देखा है। वी आर एलिफेंट्स, हम एलिफेंट्स हैं। वी ट्रम्पेट लाउडली, हम जोर से चिंगाड़ते हैं। ट्रम्पेट मतलब एनिमल का जो ना, एलिफेंट का जो साउंड होता है चिंगाड़ना, एलिफेंट की जो आवाज़ सुनी है ना आपने, तो उसको बोलते हैं ट्रम्पेट। वी ईट लीव्स, हम पत्तियाँ खाते हैं। वी वॉक स्लोली, हम धीरे धीरे चलते हैं। वी स्विंग आवर लॉन्ग ट्रंक फ्रॉम साइड टू साइड, वी स्विंग आवर लॉन्ग ट्रंक, हम हमारी लंबी ट्रंक से साइड टू साइड स्विंग करते हैं। द जंगल इज आवर होम, हमारा जो जंगल है वो हमारा घर है। ये अपनी लंबी जो सूंड है उससे स्विंग करते हैं, झूला झूलते हैं या किसी चीज़ को झुलाते हैं, इधर उधर फेंकते हैं। ये देखो एलिफेंट्स हैं, ये बहुत मतलब हैवी एनिमल्स जो होता है ना वो है, सबसे ज़्यादा है, बिग एनिमल है, और इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। इनके लंबी ट्रंक होती है, ट्रंक मतलब सूंड होती है, ईयर इनके बहुत बड़े होते हैं, फिट इनके बहुत बड़े होते हैं। ये अपनी ट्रंक से बहुत हैवी लोड को ये कैरी कर सकते हैं, और ये लीव्स, बनाना, शुगर कैन इनको पसंद है,
और जंगल इनका होम है। नेक्स्ट है पैरोट। पैरोट, वी आर पैरोट्स, हम पैरोट्स हैं। वी मेक आवर नेक्स इन होल्स इन ट्री, हम ट्री के होल में, ट्री में जो होल रहता है, जो छेद बने रहते हैं, उनमें ये अपना नेक्स बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। मैनी लिव इन द जंगल, बहुत सारे बर्ड्स जंगल में रहते हैं। द जंगल इज़ आवर होम, जो जंगल है वो हमारा घर है। ये पैरोट्स है, पैरोट्स क्या कह रहे हैं, हम पैरोट्स हैं, हम हमारा जो होम है वो कहाँ बनाते हैं, ट्री जो है, ट्री का जो होल रहता है ना, इस तरह इस होल में ये अपना घर बनाते हैं। और मैनी बर्ड्स जंगल में रहते हैं, बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं जंगल में, ट्री पे, और जंगल बहुत सारे एनिमल्स का घर होता है, इनका घर होता है। अब नेक्स्ट है फिश। देखो फिश कहाँ रहती है, पानी में रहती है। वी आर फिश, हम फिश हैं। वी लिव इन पॉन्ड इन द जंगल, जंगल के तालाब में हम लोग रहते हैं। वी लिव इन पॉन्ड, हम तालाब में रहते हैं। इन द जंगल, जंगल में, जंगल में जो तालाब वगैरह होते हैं वहाँ हम लोग रहते हैं। वी आर फ्रॉग, हम लोग फ्रॉग हैं, मेंढक हैं। वी आर फ्रॉग, हम लोग मेंढक हैं। वी क्रॉक लाउडली व्हेन इट रेन, जब बारिश आती है तो हम बहुत ज़ोर से टर्राते हैं, टर्राना, टर्राना, मेंढक का जो टर्राना जो होता है, टर टर की जो आवाज़ निकालता है उसको बोलते हैं क्रॉक, ये जोर से टर्राते हैं जब बारिश होती है। वी लिव नियर पॉन्ड इन द जंगल, जंगल के पास जो तालाब होते हैं उनमें ये लोग रहते हैं। द जंगल इज़ आवर होम, जंगल हमारा घर है। जैसे फिश, फ्रॉग, ये कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं जब बारिश बहुत, ये फिश तो हमेशा ही, द फिश लिव इन वाटर, बट जैसे फ्रॉग वगैरह जो होते हैं पानी में भी रहते हैं, पानी के बाहर भी रहते हैं। जब बारिश आती है, जब इनको पता चलता है कि बारिश आने वाली है, तो ये बहुत तेज़ क्रॉक करते हैं, मतलब आवाज़ निकालते हैं, और इनकी आवाज़ निकालने को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉक कहते हैं। ये भी जंगल में रहते हैं, जंगल में जो तालाब रहते हैं वहाँ पे ही रहते हैं, जंगल इनका घर है। डोंट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द पॉन्ड, डोंट थ्रो, नहीं फेंकना चाहिए, डोंट थ्रो मतलब नहीं फेंकना चाहिए प्लास्टिक बैग, जो प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती है, इन द पॉन्ड, हमें तालाब में प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं फेंकनी चाहिए। डोंट थ्रो कैंस एंड बॉटल्स इन द पॉन्ड, हमें कैंस, जैसे इसके कोल्ड ड्रिंक के जो कैंस आते हैं, बॉटल्स आती है, इनको हमें तालाब में नहीं फेंकना चाहिए। डोंट कट डाउन ट्री, हमें ट्री को नहीं काटना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जंगल जो होता है वो एनिमल्स का होम होता है। हम क्या हमारे घर में गंदगी करते हैं, नहीं करते, हमारे घर में हम लोग सामान को ऐसे फैलाते हैं क्या, फेंकते हैं, नहीं फेंकते, तो ये जंगल भी इनका घर है, तो हमें इनकी जगह को, जैसे इनका जो ये पॉन्ड में रहते हैं, तो हमें पॉन्ड में कचरा नहीं डालना चाहिए, प्लास्टिक बैग, कैंस, बॉटल को नहीं फेंकना चाहिए, और ना ही ट्री को काटना चाहिए। अगर ट्री काट देंगे तो बहुत सारे एनिमल्स ट्री पर रहते हैं, तो वो कहाँ रहेंगे, तो हमें जंगल को बचाना चाहिए। सेव द फॉरेस्ट, वी डू नॉट डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट को नष्ट नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें बचाना चाहिए, क्योंकि जो जंगल होता है वो एनिमल्स के होम होते हैं, एनिमल्स रहते हैं ना उनमें। तो ये देखो जिराफ क्या कह रहा है, देखो वापस एक बार रिपीट करवा रही हूँ। तो जिराफ कह रहा है कि मेरे लॉन्ग नेक है, लॉन्ग नेक है, लॉन्ग और लॉन्ग लेग्स है, और मैं टॉल एनिमल हूँ, जंगल में रहता हूँ, लीव्स मुझे पसंद है। एलिफेंट, एलिफेंट कह रहे हैं कि हम, वी आर एलिफेंट्स, वी ट्रम्पेट लाउडली, वी ईट लीव्स, वॉक स्लोली, स्विंग आवर लॉन्ग ट्रंक फ्रॉम साइड टू साइड, जंगल इज आवर होम। जो एलिफेंट है वो कह रहा है मैं बहुत तेज़ चिंगाड़ता हूँ, लीव्स मुझे पसंद है, मैं लीव्स खाता हूँ और धीरे धीरे चलता हूँ। अब पैरोट कह रहा है कि हम लोग पैरोट्स हैं। वी मेक आवर नेक्स इन द होल इन ट्री, हम ट्री के जो होल है वहाँ पर अपना नेक्स बनाते हैं, और जंगल हमारा घर है, मैनी बर्ड्स यहाँ पर रहते हैं। अब देखो फिश के बारे में, फिश क्या, फिश और फ्रॉग क्या करें, वी लिव इन पॉन्ड इन द जंगल, जंगल में जो पॉन्ड है हम लोग वहाँ रहते हैं, और जो जंगल होता है वो हमारा घर है। अब हमें ये तो इन्होंने बता दिया, अब हमें क्या करना चाहिए इनके लिए, वो देखो हमें क्या करना चाहिए, डोंट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द पॉन्ड, हमें पॉन्ड में प्लास्टिक बैग नहीं फेंकने चाहिए। डोंट थ्रो कैंस एंड बॉटल इन द पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब में हमें क्या नहीं फेंकना चाहिए, बॉटल्स होती है जो कैंस होते हैं कोल्ड ड्रिंक की, वो नहीं डालनी चाहिए। डोंट कट डाउन ट्री, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर रीड कर लिया है, आपको भी रीड करना है और इसके वर्ड मीनिंग हार्ड वर्ड्स लर्न करने हैं। अब ये है देखो टिक द बेस्ट आंसर, ये टिक करवा रही हूँ मैं आपको। व्हाट डू द मंकीज इन द जंगल डू,
व्हाट डू द मंकीज, मंकीज क्या करते हैं इन द जंगल, जंगल में मंकीज क्या करते हैं, जंगल में जो मंकीज है वो क्या करते हैं। द मंकीज लिव इन द जंगल, द मंकीज स्विंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, द मंकीज स्विंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच एंड चैटर ऑल डे, क्या करते हैं। तो इसका होगा आंसर सी, द मंकी स्विंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच एंड चैटर ऑल डे, मंकी ब्रांच टू ब्रांच झूला झूलते और सारे दिन चैटर करते, तो इसका क्या आंसर होगा सी। व्हाट डू द रैबिट ईट्स, व्हाट डू द रैबिट्स ईट, रैबिट क्या ईट करते हैं। द रैबिट ईट लीव्स एंड ग्रास, द रैबिट ईट लीव्स एंड ग्रास, समटाइम दे ईट कैरोट, द रैबिट ईट कैरोट, तो इसका क्या होगा बी, द रैबिट ईट लीव्स एंड ग्रास, समटाइम्स दे ईट कैरोट, और कभी कभी वो कैरेट भी खाते हैं। उन्होंने कहा ना इस चैप्टर में कि हम कुमार्स के गार्डन में जाते हैं वहाँ पे कैरोट ईट करते हैं, तो वापस रिपीट करवा रही हूँ। व्हाट डू द मंकीज इन द जंगल डू, जंगल में मंकीज क्या करते हैं। द मंकीज स्विंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, मंकी ब्रांच टू ब्रांच झूला झूलते हैं एंड चैटर ऑल डे, और सारे चैटर करते हैं। व्हाट डू द रैबिट ईट, रैबिट क्या ईट करते हैं। द रैबिट ईट लीव्स एंड ग्रास, पत्तियाँ और घास खाते हैं। समटाइम्स दे ईट कैरट, और कभी कभी वे कैरट भी खाते हैं। तो ये ए और बी, सॉरी फर्स्ट में आएगा सी, सेकंड में आएगा बी, ये दोनों आपको टिक द राइट आंसर है वो नोटबुक में राइट करना है, चैप्टर रीड करना है अच्छे से, और इसके जो टिक द राइट है टू ही है, इनको आपको किस में के फिल करना है, बुक में फिल करके किस में राइट करना है, नोटबुक में राइट करना है। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, नेक्स्ट क्लास जब होगी तब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी, ठीक है। तो चैप्टर रीड कर लेना, इसके क्वेश्चन आंसर ये टिक द राइट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।